Hey guys what's up so welcome back to my YouTube channel DKG Tax Zone so today institute of Charter accountant of india has issued a notification regarding the result of ca examination so let's have a look on it <coughs> so this is the notification as you can see over here रिजल्ट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स फाइनल एग्जामिनेशन ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स बहुत कोर्सेज के लिए एंड फाउंडेशन एग्जामिनेशन सो फाइनल एंड फाउंडन दोनों के लिए फॉर दोज एग्जाम विच वॉर हेल्ड इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आर लाइक लाइकली टू बी डिक्लेयर ऑन मंडे दैट इज थर्टीन सेप्टेम्बर और 14 सितंबर यानी कि 13 सितंबर को यानी कि मंडे हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा एंड 14 भी लिख रखा है इन्होंने फोर्टीन भी बट मोस्ट प्रोबली इट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन थर्टीन इट्स ठीक है तो 13 को ही आपका आ जाएगा बाकी लेट्स सी द डिटेल नोटिफिकेशन सो एजुके सेप्टेम्बर को जो है हमारा इशू हुआ है ये यानी कि आज ही इशू हुआ है और आगे कह रहा है कि <coughs> वही बात कह रहा है जो पीछे बोला था फाइनल एग्जामिनेशन जो होगी सी ए सी सीएक, ए की और फाउंडेशन जो हुई थी सॉरी फॉर जुलाई सेशन इन जुलाई 2021 जो मई सेशन के लिए बेसिकली जुलाई में हुए थे ना सो उस सेशन के जो रिज़ल्ट हैं वो 13 सितंबर को आ रहे हैं मंडे या फिर ट्यूसडे को आ रहे हैं 14 सितंबर को राइट सो दिस इज़ वन थिंग कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप तो दीज आर थ्री वेबसाइट आई सी आई हैज़ प्रस्क्राइब दैट इज आई सी आई एग्जाम डॉट आई सी आई डॉट ओ आर सी दैन अनदर वन इज सी ए रिजल्ट डॉट आई सी आई डॉट ओ आर सी थर्ड वन इज आई सी आई डॉट एन आई सी डॉट आई एन एंड नीचे इन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हो कि ई मेल पर अपना रिजल्ट मंगाना है तो उस पर भी कर सकते हैं बट यू नीड टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद दिस वेबसाइट इट्स एस अरेंजमेंट हैव ऑल्सो बीन मेड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ फाइनल एग्जामिशन फाउंडन एग्जामिशंस डिजायरस ऑफ हैविंग रिजल्ट ऑन देयर ई मेल एड्रेसेज टू रजिस्टर देयर रिक्वेस्ट एट द वेबसाइट सो फर्स्ट यूनिट टू रजिस्टर योर रिक्वेस्ट एट द वेबसाइट और कब से कर सकते हैं फ्रॉम एलेवं ऑफ ट्वेंटी वन यानी कि ट्वेंटी वन कल से आप ये रिक्वेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं अपनी अगर आप ई मेल पर मंगवाना चाहते हैं तो और बाकी ये नीचे बोल्ड में उन्होंने लिखा है कि अगर आप जब रिज़ल्ट देखेंगे तो या तो आपके पास जो है आ, क्या होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या पी आई एन नंबर होना चाहिए अलोंग विद योर रोल नंबर ठीक है तो पी आई एन और रजिस्ट्रेशन नंबर में से एक चीज़ चाहिए आपको अलोंग विद रोल नंबर टू गेट टू चेक योर रिज़ल्ट सो आई होप जो वेट थी अब तक वो फिनिश हो गई है बस और एक दो दिन की बात है सो मैं मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट और इसी के साथ ही मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे